Hey guys, welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप अपने टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टैली प्राइम का कोर्स, जहाँ से आपको बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल के टैली प्राइम के कोर्स के बारे में फ्री में सीखने को मिलेगा। इसके लिए सिंपली जो भी वीडियो आपको आएंगी उन वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी टैली आरपी 9 की दो वीडियो यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जो कि टैली आरपी 9 का बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल का कंप्लीट कोर्स है, जिनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है हर महीने ज्येष्ठ में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर देती है। तो अभी जो एक नया अपडेट आया है कि 1 अप्रैल 2022 से जिस कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर है उनको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। लेकिन दोस्तों ये ई इनवॉइस जनरेट सिस्टम हमारे टैली आरपी 9 में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें टैली प्राइम सीखना बहुत ही जरूरी है। तो टैली प्राइम दोस्तों टैली ईआरपी 9 से एडवांस वर्जन है, जहाँ पे आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं नए इंटरफेस के साथ, और उसमें आपके अकाउंटिंग में जो भी चेंजेस आते रहता है वो टैली प्राइम में साथ साथ अपडेट होता रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से आज हम सबसे पहले वीडियो में सीखे किस तरह से हमें टैली प्राइम को डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में किस तरह से उसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको दो नितेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल तैयारी, बिना किसी देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको tallysolution.com/download पर जाना है, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सिंपली दोस्तों आप देखोगे अभी टैली प्राइम का जो रिलीज वर्जन है वो 2.0.1 वर्जन है, और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि हमारे पास ये टैली यहाँ पे खुली है तो टैली का जो लास्ट वर्जन है हमारा 6.6.1 है, इसके बाद इनका कोई अपडेट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्योंकि टैली प्राइम को सीखने वाले हैं, अब इसको डाउनलोड कैसे करना और इंस्टॉल कैसे करना है वो हम इसमें जानेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस सिस्टम में सपोर्ट करेगा। तो आप अब नोट पे आप देख सकते हो कि सपोर्ट विंडोज 7 और लेट, यानी कि अगर आपका सिस्टम में विंडोज 7 है या इससे ऊपर की कोई भी विंडो है तो आप टैली प्राइम को यूज कर सकते हो, और जो आपका सिस्टम वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम विद 64-bit प्रोसेसर का होना चाहिए। तो आप किस तरह से चेक करोगे कि आपका सिस्टम 64-bit का है या 32-bit का है, तो सिंपली हम मिनिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिस पीसी पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करोगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो सिस्टम टाइप है वो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो में यहाँ पे विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ से अपने सिस्टम की जानकारी जान सकते हो। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे हेयर पे क्लिक करोगे, इसको मैं नए टैब ओपन कर लेता हूँ, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सारी जानकारी जान सकते हो कि यहाँ कौन सा आपको सिस्टम चाहिए, आपको मॉनिटर रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अब हम जान लेते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो सेटअप है नीचे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेटअप जो है कंप्लीट हो गया है। तो सिंपल आपने करना क्या है कि आपको सेटअप पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसको इंस्टॉल करोगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सिंपली आपने करना क्या है कि सबसे पहले आप ओपन में पढ़ोगे अपडेट टैली ईआरपी 9 टू टैली प्राइम। देखिये दोस्तों अगर आप इसमें पहले से ही टैली आरपी 9 आप यूज कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्टली टैली आरपी 9 को अपडेट करना चाहते हो तो सिंपली आप यहां से अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो आपकी टैली आरपी 9 है वो यहां से डायरेक्टली टैली प्राइम से अपडेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले आपको टैली प्राइम को डाउनलोड करना है, उसके बाद सिंपली आपको इसको कुछ दिन यूज करना है, इसके बारे में समझना कि कौन कौन से इसमें एक्स्ट्रा फीचर है और कौन कौन से शॉर्टकट की है जो आप इसमें यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप टैली आरपी 9 को टैली प्राइम में अपग्रेड करना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है कि टू इंस्टॉल टैली प्राइम इन ए न्यू पाथ, क्लिक ऑन मोर एक्शन एंड सेलेक्ट इंस्टॉल न्यू। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा टैली ईआरपी 9 भी इसमें रहे और टैली प्राइम भी हमारे इस सिस्टम में रहे, तो क्योंकि हम दोनों को एजुकेशन मोड में यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप मोर एक्शन पे आप क्लिक करोगे। मोर एक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली अभी सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे पाथ दिखा रहा है वो हमारा दिखा रहा है ए ड्राइव में हमारा टैली ईआरपी 9 का जो फोल्डर है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो टैली आरपी 9 का डाटा है वो भी हमारे इसी उसी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे टैली प्राइम का जो डाटा है वो अलग पाथ में यहाँ पे इंस्टॉल हो, तो हम यहाँ पे मोर एक्शन पे जाएंगे। सिंपली दोस्तों आपने करना है यहाँ पे इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करना है।
हमने दोस्तों इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कर दिया है। और देखिए दोस्तों जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आता है, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि अभी हमारा करंट में सी प्रोग्राम फाइल और टेलीफ्राइम। अगर आप अपने इस पाथ को चेंज करना चाहते हो, इसके लिए आप कॉन्फिगेशन पर जाओगे। कॉन्फिगेशन पर जाने के बाद सिंपली आपने सो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन पाथ पे आना है। अभी यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टैली प्राइम इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपका एक डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट होगा, तो आप इसको यस कर सकते हो। वो नहीं चाहते तो आप नो करोगे। उसके बाद डेस्कटॉप शॉर्टकट नेम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन पाथ को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन पाथ पे क्लिक करोगे अपने माउस से, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करोगे। यहाँ से आप दोस्तों जो आपको तीन डॉट दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ से आप जिस पीसी पे क्लिक करोगे नीचे में आओगे, यहाँ पे मैं एफ ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है टेली प्राइम का, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके करूँगा। तो हमने इसका पाथ यहाँ पे चेंज कर दिया है। उसके बाद सिंपली आपने इसको क्लोज करना है और अभी देखोगे कि आपका जो एप्लीकेशन पाथ पहले सी ड्राइव दिखा रहा था वो आपका एफ ड्राइव यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो टेली प्राइम है यहाँ से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो अभी जो एप्लीकेशन आपकी टेली प्राइम है उसका जो रिलीज वर्जन आपको शो होगा और किस पाथ में ये इंस्टॉल हुआ वो आपको यहाँ पे शो होगा। सिंपली इसको स्टार्ट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से एस प्रेस करना है या फिर आप स्टार्ट टेली प्राइम पे भी क्लिक कर सकते हो। हमने इस पर क्लिक कर दिया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का ये स्टार्टिंग होगी, जो कि इन्होंने एक एनिमेटेड लोगो यहाँ पे टेली प्राइम का बनाया है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए जब तक ये स्टार्ट होता है हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ये कुछ टाइम लेगा। सिंपली दोस्तों जब हमारा टेली प्राइम स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो अभी आप ऊपर में देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा टेली प्राइम का वर्जन है वो एजुकेशन वर्जन यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी टेली आरपी9 का लाइसेंस है उसके लिए आप रिएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस पर क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे अपने टैली की नेट आईडी डालनी है और जो पासवर्ड डाला है जैसे आप टैली आरपी9 में डालते थे, तो आपका जो लाइसेंस है वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपली हम एस्केप करेंगे क्योंकि अभी हम इसको एजुकेशन वर्जन में यूज करने वाले हैं। एस्केप करने के बाद दोस्तों अगर आप नया लाइसेंस यहाँ पे लेना चाहते हो तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे आप क्लिक करोगे, क्योंकि हम इसको एजुकेशन मोड में यूज करने वाले। तो सिंपली हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट आपको दिखा रहा है टी अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब ये जो डाटा दिखाएगा कि हमारे टेली आरपी9 का जो डाटा था वो हमारे ई पाथ में टेली आरपी9 में है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि टेली आरपी9 में किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो हमारा टेली आरपी9 का डाटा है उसको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा टेली प्राइम में। तो यहाँ पे दोस्तों टेली आरपी9 के डाटा में और टेली प्राइम के डाटा में काफी डिफरेंस है। यहाँ पे अगर हमें कोई भी कंपनी टेली आरपी9 से टेली प्राइम में चलानी है तो उसके लिए हमें माइग्रेट करना होगा और माइग्रेट पे हम क्लिक करेंगे। अभी आप देखोगे कि आपकी जो टेली आरपी9 की टेक्निकल जाएगी कंपनी तो यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगी। माइग्रेट होने के बाद दोस्तों आपकी कंपनी यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे दोस्तों टेली प्राइम का हमारा शॉर्टकट कुछ इस तरह से आएगा। तो सिंपली जितने भी हमारे शॉर्टकट दोस्तों टेली आरपी9 में सेम शॉर्टकट हमारे टेली प्राइम में काम करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम अपने कीबोर्ड से ओल्ट प्लस F3 जैसे कि हम टेली प्राइम में यूज करते थे उसको हम क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि हमारी जितनी भी कंपनी है यहाँ पे आप दिखाओगे कि टेली आरपी9 हमारी कंपनी दिखाएगा। लेकिन दोस्तों इनके सामने एक ऑप्शन आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर, यानी कि अगर आप इन कंपनी को टेली प्राइम में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इन डाटा को माइग्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देखोगे हमारी एक कंपनी है टेक्निकल त्यागी के नाम से, जो कि जिसका नंबर है 1000, ये हमने माइग्रेट की थी जो कि हमारे टेली प्राइम में ऑलरेडी खुली हुई है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे अपने टेली आरपी9 में जाऊँ और यहाँ मैं सभी कंपनी को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी करेंगे और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 1000 कंपनी को ओपन करूंगा तो ये कंपनी हमारी यहाँ पे ओपन नहीं होगी। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखोगे अनेबल टू ओपन कंपनी। इसको दोस्तों हमें टेली आरपी9 में ओपन करने के लिए रीराइट करना होगा। और अगर दोस्तों अगर आप इस कंपनी को टेली आरपी9 में यूज करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओल्ट और प्लस आर को प्रेस करोगे और दोस्तों आप उसी कंपनी को दोबारा से इसमें रीराइट करोगे, एंटर करोगे और यहाँ पे आपको इसको रीराइट करना होगा। फिर से हम एंटर कर देते हैं। तो इसको रीराइट करने के बाद दोस्तों आप इस कंपनी को यहाँ पे यूज
कर सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना किस तरह से आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हो, किस तरह से आप टैली प्राइम को इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से हमें उसके पाथ को चेंज करना है और किस तरह से हमें डाटा को माइग्रेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम टैली प्राइम के इंटरफेस के बारे में जानेंगे और इसका एक इंटरफेस का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या क्या फीचर हमें टैली प्राइम में मिल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आते हैं नीचे में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी यूजफुल वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।